गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर इंद्रेश कुमार, वर्किंग एज ए फिजिकल केमिस्ट्री लेक्चर इन सूरत स्कूल रेवाड़ी। चैप्टर नंबर 8, कोटेशन कंपाउंड फॉर 12th क्लास। एंड टुडे वी विल डिस्कस IUPAC नोमेनक्लेचर। तो बड़ा इस चैप्टर के अंदर अपन पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर कि लिगेंड्स के बारे में आपको बता चुका हूँ, सेंट्रल मेटल एटम क्या हो चुका है उसके बारे में बता चुका हूँ आपको, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स मैंने आपको बताई वो सब कुछ अपन इसमें काम में लेंगे। तो बेटा IUPAC नोन के स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इंपॉर्टेंट रूल बता रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखने। किसी का भी आपको नाम दे रखा हो सकता है, कोई कंपाउंड आपको लिख के दे दे उसका IUPAC लिखवाए, या हो सकता है कोई IUPAC आपको दे दे एग्जाम के अंदर और फिर उसका आपको क्या लिखवाए, फॉर्मूला लिखवाए। तो दोनों तरीके अपने को सीखने हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है, जो बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको दे रखा है उसी का आपको नेमिंग करनी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कुछ भी आपको लिख के दे रखा हो उसका सिर्फ आपको सिंपल नाम लिखना है, जो भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर देना उसी का आपको IUPAC नेमिंग करनी है। ये सबसे पहला काम। अच्छा जी, फिर देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, मैं या तो पॉजिटिव ले रहा हूं या फिर इधर ले रहा हूं मैं न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव वाला ले रहा हूं, इधर क्या ले रहा हूं न्यूट्रल ले रहा हूं, और बेटा इधर मैं क्या ले रहा हूं नेगेटिव वाली टर्म्स ले रहा हूं, ठीक है। ये पॉजिटिव वाली टर्म्स हो गई, ये न्यूट्रल हो गई, और ये कौन सी टर्म्स हो गई, नेगेटिव वाली टर्म्स हो गई। ओके बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ जी, सबसे पहला काम, सबसे पहले आपको क्या करना है, नेम ऑफ लिगेंड्स चाहिए हो चाहिए हो, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, लिगेंड्स का नाम आपको लिखना है। CN दे रखा है, साइनो लिख दो, साइनेडो लिख दो, ठीक है। H- दे रखा है, हाइड्रोक्साइड लिख दो, हाइड्रोक्सीड लिख दो, ठीक है। फिर प्लस सेंट्रल मेटल एटम, नेम ऑफ लिगेंड्स में लिखने के बाद क्या लिखना है, सेंट्रल मेटल एटम। फिर उसकी ऑक्सीजन स्टेट किसके अंदर, रोमन लेटर के अंदर, ऑक्सीजन स्टेट इन रोमन लेटर, नेम ऑफ लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल एटम, फिर उसके ऑक्सीजन स्टेट रोमन लेटर के अंदर। और अगर वहां पर कोई चार्ज दे रखा हो, जैसे चार्ज दे रखा है तो आपको साथ में क्या लगाना है बेटा, आयन लगाना। ये सारा काम भी इसमें एज इट इज करना है, सिर्फ एक काम चेंज रहेगा किसके अंदर, इस नेगेटिव लिगेंड के अंदर। और वो क्या चेंज रहेगा, जो बेटा ये सेंट्रल मेटल एटम है ना, जैसे यहां पर सिंपल लिख रहे थे कि नेम ऑफ लिगेंड्स प्लस सेंट्रल मेटल एटम और प्लस आयंस, लेकिन ध्यान रखना इसमें सब कुछ सेम रहेगा लेकिन सिर्फ सेंट्रल मेटल एटम जो है उसके अंदर आप क्या लगाएंगे, अगर बाहर नेगेटिव दे रखा हो तो क्या लगाएंगे बेटा, एट लगाएंगे। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम में लास्ट में क्या लगाएंगे आप, एट लगाएंगे। एक तो ये कंडीशन इसमें ध्यान रखना नेगेटिव में, एक और क्या कि ये मेटल और ये लिगेंड, ये मेटल और ये लिगेंड अगर लेफ्ट साइड के अंदर कुछ भी दे रखा हो, लेफ्ट के अंदर कुछ भी XYZ दे रखा हो, कोई भी मेटल दे रखी हो, तो हमेशा आप क्या लगाएंगे वहां पर, एट ऐड करेंगे। ये दो चीज इसमें ध्यान रखनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। पहले नेम ऑफ लिगेंड्स लिखेंगे, प्लस सेंट्रल मेटल एटम और प्लस आयंस किसके अंदर, पॉजिटिव और न्यूट्रल के अंदर। लेकिन नेगेटिव के अंदर पहली कंडीशन सेंट्रल मेटल एटम में क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। लेकिन सेकंड कंडीशन अगर लेफ्ट के अंदर कुछ भी दे रखा हो तो बेटा सेंट्रल मेटल में क्या आएगा, आपको एट ऐड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर। अच्छा जी, फिर देखें भाई, जरूरी कोई है लिगेंड्स सारे सेम हो, लिगेंड्स सारे सेम हो, लिगेंड्स चेंज हो सकते हैं, तो ध्यान रखना लिगेंड किसमें चेंज करना है बेटा, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपको ध्यान में रखना है, जितने भी लिगेंड्स हैं उन लोग इसमें अरेंज करेंगे आप बेटा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे आप। जैसे मान लो क्लोराइड दे दिया और मतलब Cl दे दिया और Br दे दिया, अब Cl क्लोराइडो, Br ब्रोमाइडो, B पहले या C, B तो पहले ब्रोमाइड आएगा,
इट क्लियर। और फिर इसी के अंदर ध्यान रखें, अगर बेटा आपको ऑर्गेनिक लिगेंड्स ध्यान में रखें, कौन से ऑर्गेनिक लिगेंड्स, दो के लिए बता रहा हूं, EN और PPH3। EN बाइडेंटेट लिगेंड है, बता देते पहले, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। ऐसे ही बेटा PPH3 ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, ध्यान रखना। वैसे सिंपल के लिए अगर दो दे अल्फाबेटिक ऑर्डर कर रखें, अगर मान लो दो दे रखे हैं तो क्या यूज करेंगे, डाई, और अगर तीन दे तो क्या यूज करेंगे, ट्राई, और अगर चार दे तो क्या यूज करेंगे आप, टेट्रा। और ध्यान रखें न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर नॉट यूज फॉर द अल्फाबेटिक कन्वर्जन। इसका मतलब ब्रोमाइडो क्लोराइडो, सपोज क्लोरीन आपको वहां पर दो दे रखे हैं, ब्रोमीन तीन दे रखे हैं, तो डाई और ट्राई, टी और टी मत देखना वहां पर, क्लोरीन में सी देखना, ब्रोमीन में बी देखना, इसको ध्यान रखना। और सबसे मेन चीज, ऑर्गेनिक लिगेंड्स कौन कौन से, ईएन और पीपीएच3। ईएन का मतलब इथाइलिन डायमाइन, और फिर कौन सा, ट्राई फिनाइल फॉस्फीन। तो बेटा इसमें आपको ध्यान में रखना है क्या चीज, अगर बेटा दो दे रखे हैं तो आप कौन सी टर्म्स यूज करेंगे, बिस। अगर दो ईएन या दो बिस, और अगर तीन दे रखे हैं तो क्या यूज करेंगे आप, ट्रिस। कम से कम यहां तक तो आपको ध्यान रखना है, अगर दो दे रखे हैं तो क्या यूज करेंगे, बिस, और अगर तीन क्या यूज करेंगे, ट्रिस। तो ये बेटा इसका रूल है, अभी जस्ट एग्जाम्पल लेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर मैंने अभी जस्ट आपको बताया जो नेगेटिव लिगेंड्स आपको देगा उसमें लास्ट में नाम में क्या लगाना है, आपको एट लगाना है। दो कंडीशंस मैंने आपको बताई, अगर बेटा इस टाइप से हो कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज रखा है तो भी क्या आएगा, एट आएगा। लेकिन कंडीशन इस टाइप से हो कि ये दे दिया आपको और स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कुछ भी दे दे आपको एक्स वाई जेड, ठीक है, तो भी क्या आएगा, एट आएगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको जिंक दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, जिंकेट। अगर आपको बेटा एजी दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, अर्जेंटेट। अगर आपको सीओ दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, कोबाल्टेट। अगर आपको जेडन दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, जिंकेट। अगर आपको एफ ई दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, फेरेट। अगर आपको एल दे दिया तो क्या लिख के आएंगे, एलुमिनेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जब अपन एग्जाम्पल प्रैक्टिस करेंगे सब कुछ आपके सामने आएगा। मैं सिर्फ अभी आपको सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ध्यान समझते चलना। अपन यहाँ पर ये चीज मेन है, अपन यहाँ पर दो चीज डिस्कस करेंगे। मान लो कोई फॉर्मूला दे रखा हो तो बेटा उसका आईबीसी नेम कैसे लिखेंगे, या फिर कोई मान लो आपको नाम दे दिया उसका फॉर्मूला अपन कैसे बनाएंगे। अब ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने। सपोज एक चीज और यहां पर ध्यान रखना बेटा, ये जो सेंट्रल एटोमेटम लिखा है मैंने, फिर क्या आएगा, इसके बाद ऑक्सीजन स्टेट आएगी इसकी, और फिर लास्ट में क्या लिखोगे आप, आयन, दोनों में, ये और ध्यान रखना। सेंट्रल मेटल एटम के बाद डायरेक्ट क्या लिखेंगे आप, ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, आयन, ये ध्यान रखना। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। K2Na भाई ये एग्जाम के अंदर आ गया, मान लो एक वन मार्क्स के अंदर, ठीक है, और फिर आपको बोल दिया कि बेटा इसका आईपीसी नहीं लिखो। सबसे पहला काम, जो भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है इसका आप ऑक्सीजन स्टेट निकाल लें। ये कैसे निकालें भाई, अभी तो मैं फिलहाल बता रहा हूँ आपको एक्स मेथड से, लेकिन आपको अगर लिगेंड्स याद होंगे तो आप फटाफट निकाल पाएंगे। देखिए ये के टू है, वी नो दैट एक के पर कितना चार्ज होता है, प्लस वन चार्ज होता है, तो कितने पोटेशियम यहाँ पर, टू है, तो ये कितना हो गया, टू। किसकी निकालनी है, एन आई की निकालनी है, तो बेटा कितना हो गया, एक्स। अच्छा सी एल, एक सी एल पे माइनस वन, कितने सी एल है, फोर, ये बात क्लियर हुई। अच्छा जी अब देखिए क्या स्क्वायर ब्रैकेट का कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, दे रखा है। ओके अब यहां पर आपको के टू दे दे, के थ्री दे, के फोर दे दे, कभी भी गलती से भी इनको डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखना, इसका सिंपल बिल्कुल नाम, के का मतलब क्या होता है, पोटेशियम, नॉट राइट डाई पोटेशियम। ओके
तो सिंपल नाम लिखेंगे आप क्या लिखेंगे इसका, पी कैपिटल पोटेशियम लिख दिया। अच्छा फिर नेम ऑफ लिगेंड्स, आगे वो रूल। अच्छा थोड़ा सा हल्का सा गैप देंगे, लिगेंड्स कौन है, क्लोरीन, तो देखिए कितने क्लोरीन है, 4। नोट कैपिटल हल्का सा गैप देंगे बेटा, नोट कैपिटल टेट्रा क्लोराइड हो गया। मैंने क्या कहा था सेंट्रल मेटलेटम में क्या आएगा, ईट आएगा, अगर उसमें रखा हो तो देखिए दे रखा है एनआईए यानी निकल, क्या हो जाएगा निकलेट, तो टेट्रा क्लोराइड हो और फिर निकलेट और रोम लेटर के अंदर क्या लिखेंगे बताओ बेटा, ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो एक एग्जाम्पल मैं यहां पर और लेता हूं, 4 मान लो आपको दे दिया NH3 का ऑल 6। ओके बेटा अब इसका आपको क्या लिखना है बेटा, IPC नेम लिखना है, ठीक है। चलो करते हैं स्टार्ट, सबसे पहला काम वही चीज बायोक्सन स्टेट आपको माइंड में सेटअप रखना है। मैं आपको निकालने तरीका बता रहा हूं, इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या यहाँ +3 आएगा, क्योंकि Cl3 है तो यहाँ +3 आएगा, क्या ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो बेटा X यहाँ पर कितना आ गया +3 आ गया। एक तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ठीक है, फिर ध्यान से देखना। हाँ जी अब यहाँ कुछ नहीं है, नहीं है, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे नेम ऑफ लिगेंड्स, तो इसका मतलब कितने NH3 है, टोटल 6 है, तो इसका मतलब ये देखिए ध्यान से हेक्सा, मैंने बताया था NH3 अमोनिया होता है, लेकिन इसका जब आप नाम लिखेंगे तो अमाइन, तो इसका मतलब AMMIN हेक्सामाइन। ओके फिर सेंट्रल मेटलम कौन है, कोबाल्ट, तो हेक्सामाइन कोबाल्ट। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसकी, 3। ओके अब यहां पर कितने क्लोरीन दे रखे हैं, 3। गलती मत करना कभी भी, कभी एक दो ट्राइक्लोराइड, नो, सिंपल नाम लिखेंगे ओनली क्लोराइड, ठीक है। तो ये लिख दिया आपने क्या बेटा, ये हो गया इसका IPC, इधर क्लियर। तो ये तो ऐसे एग्जांपल थे जो फॉर्मूला देके आपको क्या लिखवा रहा है, उसके नाम लिखवा रहा है IPC। अब सपोज हो सकता है एग्जामिनर आपको क्या कर दे, नाम दे दे और फिर उसके फॉर्मूला लिखवाए। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दे दिया उसने एग्जाम के अंदर हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट, मान लो ये लिख के दे दिया बेटा आपको हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 सल्फेट लिख के दे दिया। अब सुनो ध्यान से, इसका आप कैसे नाम लिखे, मतलब फॉर्मूला बनाएंगे, सबसे पहला काम देखो वो तो मैंने आपको बताई दिया, अब कोई भी नाम दे रखा हो और उसका फॉर्मूला आप कैसे बनाएंगे वो देखिए। सबसे पहला काम हेक्सामाइन, क्या शुरुआत में लिगेंड दे रखे, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट की तरह कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहला काम ये लगा ले स्क्वायर ब्रैकेट। ओके अब सेंट्रल मेटल में पकड़ी कौन है, कोबाल्ट, ये लीजिए लिख लिया, कितना अमाइन, हेक्सामाइन, तो बेटा ये लीजिए NH3 का होल 6, ठीक है, कोबाल्ट 3 आ गया, बंद कर दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। बार क्या दे रखा है, सल्फेट, सल्फेट का मतलब क्या होता है SO4, ठीक है। अब ऐसा क्या करें कि ये कोबाल्ट यहां पर कितना सेट हो जाए, 3 सेट हो जाए, वी नो दैट इसमें चार्ज कितना होता है बेटा, -2 होता है, तो ये -2 और अगर यहां +3 लगाऊं, प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका मतलब यहां तो कितना आ गया 2 और ये कितना हो गया, ये इसका आंसर। चलो एक एग्जांपल ले लो, देखिए पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2। सपोज ये एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर दे दिया आपको कि पोटेशियम टेट्रा क्लोराइडो जिंकेट 2। अब इसका आपको क्या बनाना है बेटा, फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए सबसे पहला काम क्या, पोटेशियम दे दिया, इसका मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड में कुछ ना कुछ है। अब कितना पोटेशियम आई डोंट नो, सिर्फ आपको क्या लिखना है के, ओनली के, ठीक है। लिखने के बाद फिर बेटा आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। अब
वही सेंटर ढूंढो, कौन है? जिंक। तो ये लिख दिया आपने। कितने क्लोरीन है टेट्रा क्लोराइड? 4। BaCl। अब ऐसा क्या करें कि ये जिंक यहां पर क्या हो जाए, सेकंड सेट हो जाए। कितना हो जाए? सेकंड सेट हो जाए। इसका मतलब ये के ये x माइनस फोर आ गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, क्योंकि 2 प्लस x माइनस फोर करेंगे तो 2 आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया बेटा, K2ZnCl4 आ गया। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज आपको ये एग्जांपल दे दिया और फिर बोल दिया कि इसका IBC लिखो। ठीक है, अब सेंट्रल मेटल एटम कौन है बेटा? ये Fe है, ना कि ये Fe, ये तो बाहर है, ये Fe है। ठीक है, और लिगेंड्स यहां पर ये, अगर इसको ब्रेक करेंगे तो मैंने बता दिया आपको, सिखाई दिया ब्रेक करना। जब इसको ब्रेक करोगे तो ये 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, और प्लस ये Fe CN का होल 6, ये माइनस 4 कहां जाएगा? ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो बेटा ये x, ये माइनस का 6 इक्वल टू माइनस 4, ये कितना आ गया आयरन यहां पर? सेकंड आ गया। ठीक है, और अब लिखते हैं इसका नाम। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बताया कितने ही दे रखे हो उससे मतलब नहीं है, सिंपल नाम लिखना है। सिंपल क्या? आयरन। और कितना आयरन ये? प्लस 3 है, तो आयरन 3। ठीक है, फिर नेम ऑफ लिगेंड्स कितने हैं? 6। तो बड़ा स्मॉल लेटर के अंदर हेक्सा साइन दो। ठीक है, क्या लेटर में कुछ दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, तो नाम में क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब हेक्सा साइन दो और फिर फेरेट और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे? सेकेंड। क्लियर, एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। मान लो सपोज आपको दे दे TiH2O का होल 6 और प्लस 3। तो बेटा आपको दिया TiH2O प्लस 3। हाँ जी, सबसे पहले यहां कुछ दे रखा है? नो। तो नेम ऑफ लिगेंड्स कितने H2O हैं? 6। फर्स्ट लेटर कैपिटल हेक्सा एक्वा। फिर ये टाइटेनियम, तो टाइटेनियम कितना है? थर्ड। और कॉम्प्लेक्स आयन है, तो लास्ट में क्या आएगा? हेक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड आयन। ये भी आपको ध्यान रखना। एक लास्ट एग्जांपल आपको दे दिया COEN का होल 3 और ये दे दिया मान लो कि भाई COEN का होल 3 और Cl3 नाम लिखो इसका। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या यहां प्लस 3 आएगा, तो इसका ऑक्सीजन कितनी होगी? 3 होगी, कंफर्म हो गया। अब नेम ऑफ लिगेंड्स क्या? ऑर्गेनिक लिगेंड है, बताया था। अगर 2 हो तो 20 और 3 हो तो क्या? 30। कितने हैं? 3 है, तो बेटा फिर दोबारा 30। इसका नाम मैंने बताई दिया आपको। अब बड़ा नाम है क्योंकि लार्ज नाम है, तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो 30 ब्रैकेट के अंदर बेटा इथेन 1,2- डाइअमाइन। ठीक है, फिर सिंपल नाम कोबाल्ट, ऑक्सीजन स्टेट कितनी आई थी? 3। और फिर क्या लिखेंगे बेटा? Cl3 है, नोट राइट ट्राइक्लोराइड। सिंपल क्या लिखेंगे अपन? क्लोराइड। तो इस तरीके से बेटा ये क्या था? IUPAC नोमेनक्लेचर था। इसमें जितने भी एग्जांपल मैंने आपको लिए हैं, वो मैं एग्जांपल तो मैं कम ही ले पाया हूँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको भेजे हैं करने के लिए वो ऑलमोस्ट 40-45 के आसपास है। अगर उनमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।